Very good afternoon to dear students. I am Professor Sandeep Gupta. And last class we are discussing with you about the scheme of this subject. This is called as the Structural Design and Drawing RCC2. The code is CE702. And now in this class we are discussing with you regarding the syllabus. So syllabus, in an older, this is your syllabus, departmental elective. We are choosing the, or student choice the structural design and drawing. This is called as a RCC2. तो मैंने आप लोगों को स्कीम में बताया था कि हम लोगों को इनमें चार सब्जेक्ट जो आपके डिपार्टमेंट इलेक्टिव है, कोई एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है. तो इन अ प्रीवियस टाइम हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ते रहे काफी अच्छे से, और दिस सब्जेक्ट इज नीड ऑफ, और दिस सब्जेक्ट इज वेरी नीड फॉर दिस द एनवायरमेंट. सो वी आर चूजिंग द सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्रॉइंग. दिस इज कॉल्ड एज द RCC2. तो नेम ऑफ द फर्स्ट यूनिट, दिस इज कॉल्ड एज द Unit 1, Design of Multi-Story Building. So, Design of Multi-Story Building, the content of this unit, sway and non-sway building, shear wall and other bracing element. The simple thing is that sway and non-sway building. So, in a previous semester, आप लोगों ने Structure Analysis 1 and Structure Analysis 2 पढ़े हुए हैं. तो Structure Analysis 1 में, basically this unit is the analysis. So, Structure Analysis 1 में आप लोगों ने without sway building के analysis किए होते हैं. And in this सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे इन दिस यूनिट नॉन स्वे बिल्डिंग्स, नॉन स्वे और स्वे हैविंग सम कंडीशंस. इफ यू आर स्ट्रक्चर हैविंग दिस कंडीशंस और अप्लाई दिस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन स्वे बिल्डिंग. और सम कंडीशंस अप्लाई, दिस इज कॉल्ड एज अ स्वे बिल्डिंग. एंड शेयर वॉल एंड अदर ब्रेसिंग एलिमेंट्स, ये आप लोगों के एक अलग टर्म है, ये आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, शेयर वॉल एंड ब्रेसिंग एलिमेंट. बेसिकली शेयर वॉल और ब्रेसिंग एलिमेंट्स हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में यूज करते हैं. जब हम लोगों को विंड के इफेक्ट, जैसे हाइट बढ़ने, जब हम लोग मल्टीज बनाते हैं तो हाइट बढ़ने के साथ साथ आपका विंड का इफेक्ट बढ़ने लगता है. तो बेसिकली इस यूनिट में हम लोग शेयर वॉल की स्टडी करेंगे और ब्रेसिंग एलिमेंट्स की करेंगे. तो शेयर वॉल और ब्रेसिंग एलिमेंट जो दोनों हैं वो मल्टी स्टोरीज के लिए यूज करते हैं. जब आप लोगों के हाइट बढ़ने के साथ विंड के इफेक्ट बढ़ते हैं तो उस विंड की इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग ये दोनों एलिमेंट्स को यूज करते हैं. एंड वी आर स्टार्टिंग दिस यूनिट, सो हम लोग इसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे. जस्ट सिंपली व्हाट इज शेयर वॉल एंड ब्रेसिंग सिस्टम. सेकंड इज अ डिजाइन ऑफ अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर. अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग देखेंगे कैंटिलीवर एंड काउंटरफोर्ट टाइप्स रिटेनिंग वॉल्स. और भी टाइप के रिटेनिंग वॉल्स होते हैं, बट आपके सिलेबस में रिकमेंड किया हुआ इस यूनिट में कि आपको कैंटिलीवर एंड काउंटरफोर्ट टाइप के बनाने हैं. तो हम लोग कैंटिलीवर पढ़ेंगे और काउंटरफोर्ट पढ़ेंगे. बाकी टाइप्स में आपको सारे डिस्क्राइब करेंगे जब हम लोग ये यूनिट को स्टार्ट करेंगे. तो रिटेनिंग वॉल बेसिकली क्या होता है, रिटेनिंग वॉल का मतलब आप लोगों को मीनिंग समझ आ रहा है, रिटेन द प्रेशर, दिस इज अ रिटेनिंग स्ट्रक्चर. कोई भी रिटेन प्रेशर को रिटेन करने के लिए हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं रिटेनिंग वॉल. तो इस यूनिट में हम लोग देखेंगे रिटेनिंग वॉल्स, कैंटिलीवर टाइप और काउंटरफोर्ट. बेसिकली और भी टाइप होते हैं इसके, जैसे बटरस होता है, एक ग्रेविटी टाइप्स होता है. तो वो दोनों आपको टाइप देखने हैं बस, और उनकी डिटेल नहीं करनी है. बाकी डिटेलिंग में हम लोग कैंटिलीवर और काउंटरफोर्ट के डिजाइन पढ़ने हैं. सो द यूनिट थर्ड इज कॉल्ड एज द वाटर टैंक. टैंक, वाटर टैंक, आप लोगों ने टैंक सुन के सबको मेमोराइज होती है कि टैंक, हाँ हमने देखे हुए हैं. तो बेसिकली तीन तरह के टैंक हम लोग इसमें स्टडी करेंगे. तीन तरह के टैंक के जो उनके फंक्शंस बेस्ड, द थ्री टाइप्स ऑफ टैंक, दिस इज कॉल्ड एज द अंडरग्राउंड टैंक, टैंक रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एंड एलिवेटेड टैंक. ये बेसिकली तीन तरह के, फिर इनके शेप्स के आधार पर हम लोग बेसिस ऑन शेप हम लोग डिसाइड करेंगे, रेक्टेंगुलर है, सर्क्यूलर है, स्क्वायर है. इस और एक स्पेशल टाइप का टैंक हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्स टैंक. तो ये आप लोगों के सिलेबस फाइनल एग्जाम में आता है. तो दिस इज आवर थर्ड यूनिट. एंड फोर्थ यूनिट इज कॉल्ड एज अ डिजाइन ऑफ साइलो एंड बंकर्स. देखिए कितनी छोटी सी यूनिट, सिंपल दो टॉपिक, साइलोज एंड बंकर्स. तो इसमें हम लोग साइलोज का डिजाइन पढ़ेंगे और बंकर्स का डिजाइन पढ़ेंगे. इन द फाइनल एग्जाम जब दो ही टॉपिक है तो आने ही दो ही है भाई. तो इनमें आपका साइलो और बंकर्स की डिजाइन दोनों में से एक तो 200% आएगा, पर मे बी समटाइम्स आपको पेपर में दोनों भी आ जाते हैं, साइलोस डिजाइन करने के लिए एंड बंकर भी डिजाइन करने के लिए आ जाते हैं. तो हम लोग पढ़ेंगे छोटे छोटे दो टॉपिक है, साइलोस एंड बंकर. एंड द लास्ट यूनिट इज फिफ्थ यूनिट. दिस यूनिट इज कंटेन्ड द टी बीम एंड स्लैब ब्रिजेस. इसमें हम लोग ब्रिज की स्टडी करेंगे, ब्रिज के डिजाइन करेंगे, कैसे हम लोग को ब्रिज की डिजाइन करना है. एंड अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस यूनिट, दिस इज कॉल्ड एज द PS, pre-stressing concrete. This is called as the PSC in a short form, pre-stress concept or pre-stress concreting. तो इसमें हम लोग pre-stressing concrete के कुछ concept पढ़ेंगे
और इसके प्री स्ट्रेस कंक्रीट के भी कुछ डिजाइन देखेंगे। मतलब बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन है आपका, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है हमेशा वो है आपका प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस। तो ये लॉसेस भी देखेंगे, और प्री स्ट्रेस कंक्रीट के आपका कोड भी आता है, उस कोड में ये लॉसेस बहुत क्लियरली मेंशन है। इन लॉसेस के बेस पर फाइनल एग्जाम में जो आता है वो आप लोगों के इन लॉसेस के बेस पर एक न्यूमेरिकल आ जाता है, और बिज की डिजाइन तो पढ़नी ही भाई हम लोगों को। तो इस तरह से आप लोगों के 5 यूनिट का एक कंटेंट है। बहुत डिजाइन थोड़े से बड़े होंगे हम लोगों के, तो इन डिजाइनों बिकॉज हम लोग जो आरसीसी वन में पढ़ते थे वहां हम लोग एलिमेंट की डिजाइन करते थे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। यहाँ पर हम लोगों को पूरे स्ट्रक्चर की डिजाइन करनी है। स्ट्रक्चर और एलिमेंट में आप अंतर समझिए, जैसे बिल्डिंग हो गया सपोज दिस इज कॉल्ड एज अ वन स्ट्रक्चर, और एलिमेंट की बात करेंगे उसके अंदर तो आपका जैसे कॉलम आ गया, बीम आ गया, स्लैब आ गया, स्टेयर केस आ गए, दिस इज कॉल्ड एज अ एलिमेंट। एलिमेंट्स और एक कंप्लीटली मिलके बनेगा स्ट्रक्चर, तो उसमें हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगी डिजाइनिंग, पर आसान है भाई। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट आएगा तो भाई आप लोगों को जैसे आरजीबी का पैटर्न चल रहा है अभी आजकल, जो चेंज कर दिया कि टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, अटेम्प्ट एनी 5 आएंगे। तो अटेम्प्ट एनी 5 में अब आप लोगों के 5 यूनिट हैं, तो 5 यूनिट में आप लोगों का फर्स्ट यूनिट से एक ही क्वेश्चन आएगा भाई, फैक्ट दैट है कि 14 नंबर का देता है। सेकेंड यूनिट जो आप लोगों का है काउंटर फोर्ट, काउंटर फोर्ट से कई बार आप लोगों को 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि टोटल 8 क्वेश्चन आने हैं और यूनिट 5 है आप लोगों की। वाटर टैंक से भी आपके समटाइम्स 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस तरह से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के। फिर आप लोगों का फोर्थ यूनिट से भी जनरली वो 2 क्वेश्चन ले लेता है, तो फोर्थ यूनिट से भी 2 क्वेश्चन लेगा तो आप लोगों के 7 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन आपका लास्ट यूनिट से लेगा। तो इस तरह से 8 8 क्वेश्चन पैटर्न आएगा, आप लोगों को कोई भी 5 अटेंड करने होंगे। समटाइम्स क्या होता है कि वो लास्ट जो 8 वाला क्वेश्चन है उसमें वो राइट शॉर्ट नोट्स दे देता है, तो फिर आपको फोर्थ यूनिट से एक ही क्वेश्चन करेगा वो। इस तरह से आपके ये सारी यूनिट्स कवर हो जाएंगी हम लोगों की। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोगों को ये देखनी है, कैसे आप लोगों को ये करनी है। थैंक यू।